कहानी की शुरुआत में हम एक अंतरिक्ष में एक हाईटेक स्पेसशिप को देखते हैं, जहां पर बिली अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। उसके पेरेंट्स का काम अलग अलग प्लैनेट को एक्सप्लोर करना होता है, साथ ही उन प्लैनेट्स के लाए सैंपलों पर रिसर्च करते हैं। और आज इनके मिशन का आखिरी दिन होने वाला होता है, इसके बाद में स्पेसशिप धरती पर जाने वाला होता है। इसलिए बिली बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है। इसके बाद हम बिली के फादर को देखते हैं जो कि सैंपल्स की फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो भी फोटो क्लिक करेगा। बिली इस काम को बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है, इसलिए उसके फादर उसे और भी सैंपल दे करके चले जाते हैं और बिली की मदर के साथ काम करने लगते हैं। वहीं बिली फोटो क्लिक करना बंद कर देता है और अपने रूम में जाकर के गेम खेलने लगता है। तभी स्पेसशिप से बहुत सारे एस्ट्रॉयड टकराने लगते हैं, जिससे कि स्पेसशिप में टेक्निकल खराबी आ जाती है और बिली के रूम का दरवाजा अचानक से ही बंद हो जाता है। बिली ये देख करके घबराने लगता है। बिली के पेरेंट्स स्पेसशिप को बचाने के लिए शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शील्ड को तोड़ देते हैं। अब स्पेसशिप का सिक्योरिटी सिस्टम बिली को एक पॉड में जाने के लिए कह देता है। इसके बाद में बिली जब पॉड में जाता है तो पॉड अचानक से बंद हो जाता है और स्पेसशिप से बाहर चला जाता है। बिली ये देख करके घबराने लगता है। तभी बिली के सामने स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स बच गए होते हैं, वो दूसरे पॉड में होते हैं और उनका पॉड बिली से दूर जा रहा होता है। तभी बिली को उसके पेरेंट्स का आखिरी मैसेज मिलता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि वो बिली को बचाने के लिए जरूर आएंगे, तब तक बिली सेफ्टी पॉड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब बिली पॉड के साथ में स्पेस में खो जाता है, लेकिन जल्दी उसका पॉड एक सेफ प्लैनेट को खोज लेता है और वो वहाँ पर लैंड हो जाते हैं। तभी पॉड से एक सर्वाइवर रोबोट निकलता है, जिसका नाम बक होता है, जो कि इमरजेंसी के वक्त इंसानों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया होता है। बक बाहर के एटमॉस्फेयर को चेक करता है, उसे पता चल जाता है कि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन है, इसलिए बिली और बक पॉड से बाहर आ जाते हैं। तभी बिली बक से कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, इसलिए वो पॉड को यहाँ से ले चली, जिस पर बक कहता है कि ये सिर्फ स्पेयर कैप्सूल है जो सिर्फ लैंड होने के लिए बनाया गया, हम इससे टेक ऑफ नहीं कर सकते। बक बताता है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रोब्स निकल जाते हैं। मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, जब कोई प्रोब इस प्लैनेट के करीब आएगा तो मेरा ट्रांसमीटर उसे सिग्नल भेज देगा, जिससे कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए आ जाएगी। जिस पर बिली कहता है कि प्रोब को आने में कितने दिन लगेंगे, जिस पर बक कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सर्वाइवर के लिए बहुत सारा सामान है। बक बिली को मल्टीपर्पज लैड देता है, जो बिली को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे अपने पास ही रख लेता है। बिली को एक कैमरा भी मिलता है, जिससे कि वो प्लैनेट की तस्वीर खींचने लगता है। बिली देखता है कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, लेकिन तभी वो पत्थर अचानक से हिलने लगते हैं, क्योंकि वो रॉक मॉन्स्टर होते हैं। वो बिली और बक के पीछे पड़ जाते हैं और उनके सामान के साथ साथ स्पेयर पॉड को भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद में बक बिली को बचाने के लिए एक मोटरसाइकिल बन जाता है और बिली को लेकर के भागने लगता है। तभी बिली के हाथों से बक की सेकंड बैटरी गिर जाती है, जिस पर बक बिली से कहता है हम बाद में बैटरी को लेने आएंगे, लेकिन अभी हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। रॉक मॉन्स्टर हार मान करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद में बक और बिली गुफा की दूसरी तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक जंगल होता है, जिसे देख करके बिली और बक हैरान रह जाते हैं। इसके बाद में बिली प्लैनेट को एक्सप्लोर करने लगता है, वहाँ पर तरह तरह के जीव होते हैं। बिली अपने कैमरा में उन सब की फोटो क्लिक करने लगता है। इसके बाद में बक कैंप लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह को ढूंढने लगता है। तभी इन्हें जंगल में एक जगह मिल जाती है, जिसके बाद में बक उस जगह को चेक करने लगता है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। तभी बिली के पास में एक प्यारा सा ऑरेंज मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पीछे एक जाइंट मॉन्स्टर होता है। बिली मॉन्स्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर बिली के पीछे ही पड़ जाता है। तभी वहाँ पर बक आ जाता है और वो मॉन्स्टर को भगा देता है। इसके बाद में बिली ऑरेंज मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना लेता है, उसका नाम फ्लैश रखता है। तभी बक फ्लैश को स्कैन करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है, क्योंकि बक बिली को अनजान चीजों से सुरक्षित रखना चाहता है। बिली बक से कहता है कि फ्लैश अच्छा मॉन्स्टर है, लेकिन बक उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद में फ्लैश बक से डर करके भाग जाता है, लेकिन वो बिली और बक का हर जगह पीछा करने लगता है। बिली और बक को एक जाइंट बीटल दिखाई देता है, जो कि पलटा हुआ होता है। बिली उसकी मदद के लिए जाने वाला होता है। तभी बीटल अपने सींग से एक आवाज देता है, जिससे उसके साथी बीटल आकर के उसकी मदद करने लगते हैं। बिली को बीटल के सींग का हॉर्न बहुत ही अच्छा लगता है। अब बिली को भूख लग रही होती है, इसलिए बक आसपास के फलों को स्कैन करके पता करता है कि ये फल सेफ है, लेकिन बिली को कोई भी फल अच्छा नहीं लगता है। अब बिली उदास हो जाता है। बक बिली के फेस एक्सप्रेशन को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बिली उदास है। के बाद में बक बिली के खाने के लिए अच्छी चीजें लेने के लिए चला जाता है। तभी बिली के पास में फ्लैश आ जाता है, वो बिली को अपने साथ ले जाता है और उसे खाने के लिए मीठे फल देता है, जो कि बिली को बहुत अच्छे लगते हैं। अब बिली और फ्लैश बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं बक बिली को ढूंढ
रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बिली और फ्लैश को एक जायंट बीटल दिखाई देता है जो कि कुछ सामान को ले जा रहा होता है। इसके बाद में बिली उस जायंट बीटल की फोटो क्लिक करता है जिसकी फ्लैश से बीटल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका सींग टूट जाता है। इससे बीटल को बहुत दर्द होता है। तब बिली बीटल के सींग को फिर से लगा देता है और वो बीटल खुश होकर के वहां से चला जाता है। इसके बाद में फ्लैश बिली को एक झील के पास ले जाता है। वो बहुत ही सुंदर झील होती है। बिली इसे देख करके हैरान रह जाता है। इसके बाद में बिली और फ्लैश पानी में इंजॉय करने लगते हैं। तभी वहां पर बक आ जाता है जिसे देखते ही फ्लैश फिर से छिप जाता है। तभी गलती से बिली एक जहरीले पेड़ से इंजर्ड हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देख करके बक आसपास के पेड़ों को स्कैन करके पता करने की कोशिश करता है कि शायद जहरीले पेड़ का कोई एंटीडोट मिल जाए। तभी फ्लैश वहां से चला जाता है। शायद उसे पता होता है कि बिली किस तरह से ठीक हो सकता है। फ्लैश भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और कुछ पत्तियों को लेकर वापस आता है। पत्तियों से रस निकाल करके बिली को पिला देता है जिससे कि बिली बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख करके बक बहुत खुश होता है। वो फ्लैश को बिली के साथ रहने की इजाजत दे देता है। अब तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद रात में बिली और फ्लैश थक करके सो रहे होते हैं। तभी फ्लैश एक पत्थर की तरह बन जाता है। अगली सुबह जब बिली फ्लैश को देखता है तो वो डर जाता है। बिली बक से पूछता है कि आगे फ्लैश को क्या हुआ है। तब बक बताता है कि फ्लैश बिल्कुल ठीक है। वो बताता है कि फ्लैश अभी मेटाबायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर रहा है जिससे कि उसे एक नया शरीर मिलेगा। तभी फ्लैश का प्रोसेस पूरा हो जाता है और वो अब पहले से बड़ा हो गया होता है। इसके बाद में बिली फ्लैश और बक आसपास से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और एक घर को बना लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मौसम खराब होने लगता है। लेकिन बिली को भरोसा होता है कि वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगी। तभी जंगल के सभी पेड़ पौधे अपने आप को कवर करने लगते हैं। इसके बाद में फ्लैश बिली को अपनी भाषा में अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है लेकिन बिली को फ्लैश की बात समझ नहीं आती है। इसके बाद में फ्लैश वहां से चला जाता है। तभी आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं जिससे कि बिली का घर टूट जाता है। बक बिली को बचाने के लिए शील्ड को एक्टिवेट कर देता है लेकिन इससे बक की बहुत सारी बैटरी खर्च हो जाती है। कुछ ही देर में मौसम फिर से ठीक हो जाता है और फ्लैश भी वापस आ जाता है। अब बक बिली से कहता है कि तुम्हें अब अकेला ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहुत सारी पावर चली गई है और ट्रांसमीटर को ऑन रखने के लिए मुझे पावर सेविंग मोड में जाना होगा। ये सुनकर के बिली उदास हो जाता है। तब बक कहता है कि तुम फ्लैश के साथ रहना क्योंकि फ्लैश इस प्लैनेट को बहुत अच्छे से जानता है। तुम उसके साथ में सुरक्षित रहोगे। इसके बाद में बक ऑफ हो जाता है। इसके बाद में बिली बक को एक सुरक्षित सी गुफा में ले जाता है। अब बिली बक को फिर से ऑन करने के लिए उसकी बैटरी वापस लाने के बारे में सोचने लगता है लेकिन फ्लैश डरा हुआ होता है। वो बिली को रॉक मॉन्स्टर के इलाके में जाने से मना करता है लेकिन बिली फिर भी जाने लगता है। ये देख करके फ्लैश अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो भागते हुए बिली से आगे निकल जाता है। तभी रॉक मॉन्स्टर जाग जाते हैं और वो बिली पर अटैक करने लगते हैं जिससे कि बिली वापस से गुफा में आ जाता है। वहीं फ्लैश रॉक मॉन्स्टर के बीच में फंस चुका होता है। रॉक मॉन्स्टर उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। तभी बिली किसी तरह से फ्लैश को गुफा में खींच लेता है। अब फ्लैश की हालत भी खराब होती है इसलिए बिली फ्लैश को लेकर के वापस जाने लगता है। तभी बिली गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है लेकिन फ्लैश भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। तभी बिली बक के दिए लैड से ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। तभी बिली को गड्ढे में एक बीटल का टूटा हुआ सींग मिलता है। बिली समझ जाता है कि अगर वो इस सींग से आवाज दे तो कोई ना कोई बीटल आकर के उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद में बिली सींग से आवाज देने लगता है और कुछ ही देर में बहुत सारे बीटल आ जाते हैं लेकिन वो बिली को देख करके वापस चले जाते हैं। लेकिन एक बीटल वहीं पर रुकता है। ये वही बीटल होता है जिसकी बिली ने मदद की होती है। वो बीटल बिली को बाहर निकाल लेता है। अब बिली और बीटल की दोस्ती हो जाती है। बिली फ्लैश के साथ में बक के पास आ जाता है लेकिन बिली के पास अब भी बक को ऑन करने का कोई तरीका नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि जब तक बक किसी प्रोब को सिग्नल नहीं भेजता तब तक वो फ्लैश के साथ में इसी प्लैनेट को एक्सप्लोर करता रहेगा। इसके बाद कहानी को हम 10 महीने बाद देखते हैं जहां पर बिली इस प्लैनेट को पूरी तरह से जान चुका होता है और उसने प्लैनेट के सारे जीवों की फोटो भी क्लिक कर ली होती है। अब एक रात बिली को प्लैनेट के ऊपर से एक प्रोब दिखाई देता है जिसे देख करके वो बहुत खुश होता है। उसे लग रहा होता है कि अब तो बक ने सिग्नल भेज दिया होगा इसलिए वो बक के पास जाने लगता है। लेकिन फ्लैश फिर से मेटाबायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है इसलिए बिली उसे वहीं पर छोड़कर के बक के पास जाता है। बक की हालत खराब होती है। उस पर पूरी तरह से मिट्टी जमी हुई होती है। तभी बिली देखता है कि बक तो पूरी तरह से स्विच ऑफ है क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। इसका मतलब बक ने ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल भी नहीं भेजा होता है। अब बिली बक की बैटरी वापस लाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वो रात के अंधेरे में बीटल को लेकर के रॉक मॉन्स्टर के इलाके में पहुंच जाता है और बैटरी ले लेता है। तभी रॉक मॉन्स्टर अचानक से जाग जाते हैं और वो बिली पर अटैक कर देते हैं। एक मॉन्स्टर बिली को खाने वाला होता है। तभी फ्लैश आकर के उसे बचा लेता है। इसके बाद में फ्लैश बिली को पीठ पर बिठा करके तेजी से वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद में बिली बक की बैटरी को चेंज कर देता है। अब बक फिर से ऑन हो जाता है। वो फ्लैश और बिली को देख करके बहुत खुश होता है। इसके बाद में बक
प्रोब को सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद में प्रोब रेस्क्यू टीम को कॉन्टैक्ट करके एक स्पेस शटल को प्लानेट पर भेज देता है। अब बिली फ्लैश को अपने साथ में लेकर जाना चाहता है, लेकिन फ्लैश अपने प्लानेट से नहीं जाना चाहता, जिस पर बिली कहता है कि वो फ्लैश से मिलने के लिए फिर से आएगा। अब बिली फ्लैश को गले लगा करके अलविदा कहता है। इसके बाद में बक और बिली स्पेस शटल में बैठ करके वापस आ जाते हैं। शटल उन्हें लेकर के बिली के पेरेंट्स के स्पेसशिप पर आ जाता है। बिली के पेरेंट्स उसे देख करके बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।